निकलेंगे यहाँ से कल्पा ना, रामबाण इलाज कहते हैं ना, तो ये वो ये चीज बड़ी फैसिनेट करती है। बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत। रिकांगपियो की मार्केट है जी ये। टीम आई डिस्कवरी विनयोर में जिंदा दिली यार, जो है बढ़िया, इनसे सीखना चाहिए हम सब। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई मॉर्निंग वाले व्लॉग की शुरुआत। डैशन के गाइस के साथ जय माता दी, जय भैरवनाथ। आज हम बैठे हैं धूप में, आज निकलेंगे यहाँ से कल्पा और रुकेंगे हॉस्टल में। सो वी विल गोना हैव लॉट्स ऑफ फन, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम जहाँ पे पहले गए थे वहीं पे एक बार जाके उसके बाद यहाँ पे करेंगे इनको टाटा बाय बाय। जी लो जी, सरीन ब्यूटी का इंजॉयमेंट ले लो लास्ट टाइम, बिकॉज इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो इसको कहते हैं जिससे भक्त हो ना, अगर किसी को मतलब काट जाए कुछ भी, सांप वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो ये एक तो ना रामबाण इलाज कहते हैं ना, तो ये वो चीज़ है। और सामने है जी वहाँ पे किन्नर कैलाश जी। सो यहाँ पे ये अपना बड़ी बन गया है, सुखना पे तो अपना दूसरा है, और ये है सी भक्त हॉन भाई। ये वैसे भी खट्टा मीठा स्वाद है इसका, ओए ओए ओए, अलग सा टेस्ट है बड़ा, बहुत जूसी है। एक ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है, मतलब आपके जो यहाँ पे बनाए गए रोड और साइड में ये देखो, ये किस तरीके से बाउंड्री वॉल बनाई गई ना, तो बड़ी सही लगती है। मतलब हम जिस तरह शहरी लोग होते हैं ना, वहाँ पे हमारे को ये इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलती, तो बड़ा सुकून मिलता है भाई यहाँ पे। कितनी बार बोल चुका हूँ सुकून मिलता है पता नहीं मेरे को, बट ये एक चीज़ है जो बार बार माइंड में आती है, सुकून। सो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और पैकिंग वैकिंग सारी कर ली, अब बस जा रहे हैं यहाँ पे एक जो लास्ट चीज़ जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे अब दोबारा जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से टाटा बाय बाय। चलो जी, फाइनली हो गए सेटिंग अपने, और अब यहाँ से अपन बनाएंगे वीडियो वगैरह, सारी फुटेज वगैरह आप आगे से कैप्चर करेंगे यहाँ पे। तो ये अपने बोनी भाई जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है यहाँ पे, इस ब्यूटीफुल प्लेस में यहाँ पे रहे जितनी देर हम यहाँ पे, ये सारी इनकी मेहनत थी बोनी भाई की। सो जी ये है पूरा ठंडा पानी, बर्फ वाला, एकदम बर्फ वाला, चिल्ड चिल्ड चिल्ड, और इसके अंदर जो भी नहाएगा करंट दौड़ जाएगा भाई। और यहाँ पे अभी अनिश सर मारेंगे डुबकी। हैं जी रक्षम में गाय, दो माता, इनका बेबी छोटा छोटा। बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी। सो अभी चल रही है सी भक्त हॉन की कटाई, जो यहाँ पे अपने को यहीं पे पेड़ भी मिल गया था एक। सो इतने कर लिए हमने, बाकी कुछ वहाँ पे है। समय हो गया 11:42 और अब निकल चुके हैं हम रक्षम से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कल्पा की तरफ। Thank you.
गाइस ये देखो, ओए मंकी थे यहाँ पे, वो भाई पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। सांगला विलेज, जय श्री बद्री नारायण जी बटसेरा। सो ये वाला पुल आ गया है जी बटसेरा का। सो यहाँ पे रास्ते में शिवजी जी का मंदिर बनाया हुआ है। गेट दिस गाइस, कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है। और ये मोनेस्ट्री लग रही है ऊपर। पे जी हिमाचल से 300 मेगावाट की बिजली आदान प्रदान होती है। अभी यहाँ पे हमने लिए फोटोज, पुल पे बहुत तेज हवा चल रही थी और अभी जा रहे हैं नेक्स्ट, देखते कहाँ पे अपने को मिलती है लोकेशन फोटो शूट और वीडियो शूट करने के लिए। नेक्स्ट प्लेस पे हम रुक गए हैं और अभी आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ बेसिकली जिस वजह से हम रुक गए यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं अभी। रिकांगपियो की मार्केट है जी ये,
और बुद्धा जी आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे रेकांगपियो में। फाइनली जी पहुंच गए इस हॉस्टल में, यहाँ पे अपना आज का रहेगा स्टे। गाड़ी वहां पे पार्क कर दी गई है और ये है जी हॉस्टल का एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सिटिंग एरिया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे किन्नर किला जी के सुबह सुबह दर्शन हम करेंगे, ठीक है। सो ये है, ये शायद अंदर डाइनिंग एरिया है और ये है यहाँ पे रिसेप्शन। अभी आपको दिखाते हैं रिसेप्शन कैसे है। ये जी यहाँ पे रिसेप्शन एरिया, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है यहाँ पे। सो गाइज वी आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम चेक आउट दिस हॉस्टल रूम। सर अभी ओपन कर रहे हैं एंड हेयर वी गो, लेट्स सी व्हाट वी विल फाइंड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, इसको गोली मारो, ये देखो इसको भी गोली मारो भाई बाहर निकल के, और ये देखो पूरे। ओह माय गॉड, सो हॉस्टल में पहुंच गए हैं, रूम मिला है अपने को वही विंडो वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह उठ रही है अपने को किन्नर किला जी के दर्शन होंगे सुबह सुबह। अंदर का रूम का टूर मैंने दिखा दिया था आपको, ठीक है। बहुत ही प्यारा है और ठंडी ठंडी हवा। खैर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे इतनी अभी एज ऑफ राइट नाउ अभी कितना बज गया, 3:07 हो गए ना, तो यहाँ पे इतनी ठंडी हवा नहीं है। जहाँ पे हमने अभी करंटली स्टे किया था वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल। होप सो हम जितना इंजॉय अभी तक कर पाए हैं, जितना मतलब मज़े कर पाए हैं, उतने मज़े आगे हमारे चलते जाएँ। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डैच एंड गिरगाई चैनल को फटाफट। हो गया है जी चाय का टाइम और अनीस सर के साथ हम बैठे यहाँ पे चाय पी रहे हैं और सामने नज़ारा ले रहे हैं। गाइज ये देखो गोल्डन बिल्कुल हो चुका है पीछे, एंड यहाँ पे हमने एक मिनी स्टूडियो बना लिया अपना। यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट एंड वीडियोज एंड शॉर्ट रील टाइप्स हम वो कर रहे हैं शूट। लुक एट दिस गाइज, एकदम पीछे नीला हल्का हल्का इसके ऊपर वो आ रहा है सन, मतलब जितना भी बचा हुआ है, और वाइट स्नो शाइन कर रही है पूरी। और अभी तकरीबन समय हो चुका है 5:53। तो अभी यहाँ पे बैठ चुके हम नीचे वाली साइड में। सो वहाँ पे मैंने दिखाया था वो रिसेप्शन एरिया है, एंड यहाँ पे है ये डाइनिंग एरिया हॉस्टल का। ये देखो कितना मस्त बना रखा है यार, है ना। यहाँ पे स्नूकर टेबल फॉर हॉस्टल गेस्ट ओनली, ओके। सो यहाँ पे अगर आपने स्नूकर खेलना है सो ये रहेगा 300 रुपीज़ पर आवर।
अभी बेसिकली वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या खाना है, किसने किसने, ठीक है, डिसाइड होता है, ऑर्डर करते हैं। ये है जी नाइट का व्यू हॉस्टल का, और बेसिकली हमारा जो रूम है वो है वो ऊपर वाला, यहाँ से आप चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, टीम आई डिस्कवरी दिनेर में यहाँ पे कल्पा में अमेजिंग प्लेस कलम थे चितकुन परसों सांगला। भाई एक बात तो है, चंडीगढ़ से यहाँ पे आना, गाड़ी का तेल, रहना, खाना पीना, पैसा पैसा खर्चा तो है, लेकिन दोस्त के साथ यहाँ बैठ के ये दो पल जो बिताने हैं ना यार, दिस इज प्राइसलेस। सो गाइस, हाय विनय, सो चीयर्स। वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, डिनर वगैरह हमने कर लिया, और वॉकिंग करके तो मेरे को लग रहा है शायद भूख लगी, तो स्नैक वगैरह भी हमने प्रिपेयर करवा लिया अपना। हाँ जी सर, सो दिस इज, ये देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया है हमें। गाइस चलते चलते हमारे को ये बहुत बड़ी नहर मिली है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसमें हमारे जाते हुए हड्डियाँ और हार्ड गुड्डे सारे कांप रहे। तो सर क्या किया जाए, आप सजेस्ट कीजिए, वापस चला जाए? तो बहुत मुझे लग रहा है अगर पैर रख के मैं फिसल के डूब ना जाऊं उसमें, है ना, वैसे तो बहुत गहरी लग रही है। जीवन की परिस्थितियों में सच्ची में हर चीज ऐसी होती है, होती कुछ नहीं है रियलिटी में, पर हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा, ये हुआ फिर वो होगा, ये होगा, हुआ कुछ नहीं है। और आज तक 99% टाइम जो कुछ हम सोचते हैं ना, ये हुआ वो हुआ, वो कभी होता ही नहीं है 99% टाइम। 1% हो गया ना तो देख लेंगे यार, बट हम तड़पते उस 1% से नहीं है, हम तड़पते उस 99% के डर में। तो मस्त रहो, ये हम पार कर गए, क्या बात है, हम भी 1-2 छपाक कर गए पार। तो गाइस ये यहाँ पे है लाइफ, इनकी जो यहाँ पे लोकल है ना बंदे, ये उनकी लाइफ है। सो अभी भैया अभी वॉक पे निकले हुए थे, सो जस्ट एक ग्लिम्प्स दिखाना चाहते हैं कि भैया हिमाचल में कैसे रहते हैं। सो अब हो गया 8:58, और गाइस फिर से हम उसी जगह पर आ चुके हैं जो कि एक बड़ी खौफनाक था बीच में, और फिर से कुछ घबराहट हो रही है, पर पिछली बार से घबराहट कम है। तो अभी अनी सर को हम बोलेंगे कि थोड़ा सा हमारे को हौसला दे, पार करके कर सकते हैं, पिछली बार किया था, एक बार हुआ ना दोबारा भी हो सकता है। चलो सर करते हैं, चलो पहले आप करो, मैं आपका पगडंडी पकड़ के आपके पीछे आऊँगा। कर गए, मैं भी करूँगा, आई कैन ऑल्सो डू इट। 1-2-1-2-1-2-1 कर लिया। अब ड्यूटी क्या है ना, अब तू लाइफ में जब थर्ड टाइम करे डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत नहीं है यार, डर के आगे डर ही होता है। पर मजा क्या है, हमें ना कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लोग ना ये कॉन्फिडेंट रहे। कॉन्फिडेंट कभी कोई हो ही नहीं सकता पहली बार में, क्या ही नहीं पता ही नहीं, करेज हिम्मत एक बार कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अगली बार फिर कर ले, बढ़ गया, तीसरी चौथी पांचवी बार, अब तो मैं करता ही हूँ। तो पहली बार करने की हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस बन जाता है अपने आप। डन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अंकल मिले, नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? मैं भी निकलना चाह रहा था। अच्छा आप भी निकलना चाह रहे थे, अरे आइए आइए, इनको भी निकलना है नदी से, तो इनको भी मदद चाहिए, जरूर करेंगे जी। सो यहाँ पे अंकल मिले, ये भी नीचे से सामान वगैरह लेके आए, और ये भी नदी पार करने के लिए। आओ अंकल जी आओ, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, ये अंकल जी ने भी पास कर लिया। कल्पा में भाई साहब मिले, और क्या बोझ लेके, क्या जिंदा दिली है, क्या जी रहे, कोई दुख नहीं है, मैं इतना बोझ उठा रहा हूँ, पानी है, थक रहा हूँ, फंस रहा है ना, जिंदा दिली यार जो है, बढ़िया है, इनसे सीखना चाहिए हम सबको। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके सर। मैं भी चाह रहा था कि ऐसा वीडियो आगे जाए। लवली सर, या मस्त है। सो हम आ गए थे हॉस्टल में, और नेगी साहब को यहाँ पे हम कहते हैं अलविदा, फिर कभी आएंगे यहाँ पे, नेगी साहब से जरूर मुलाकात होगी। और ये भी है नेगी साहब हमारे में,
अच्छा 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 ठीक 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 जो साथ साथ में एक्चुअली बीच में आ गया था तो अभी यानी सर देंगे यहाँ पे इसको, हमारे पास एक्चुअली कुछ ब्रेड वगैरह पड़े थे सो होप सो ये खाएगा, ब्रेड खा ले। हाँ ये ब्रेड नहीं खाता, नहीं खाता, ये थोड़ा सा डाल के देखना, पूरा मत डालना। तो गाइस ये बैठ चुका है यहाँ पे, अभी टेल ही ला रहा था और अभी इसके मुंह में पानी भी आ रहा है, टंग बाहर निकाली इसने। सो अभी देखते हैं ये खाता कि नहीं। भाई खा लियो, नहीं पहले खाएगा कि नहीं पता लग जाएगा ना, खाता है कि नहीं खाता। अब बढ़ा दे दो, अब ये खाएगा। प्यार की भाषा है भाई, बिन बोले भी सब कुछ समझ आते हैं। हाँ तभी तो टेल भी ला रहा था, इसके मुंह में पानी आ रहा है, भूखा था ये काफी देर से। सारा ब्रेडी हो गए। आगे फ्रंट से आओ, इसकी आईज में नहीं दिख रहा ना इसको। हाँ फिर क्या किया, और दोबारा से एक मैच जो हमारा पेंडिंग था वो भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे समय हो चुका है 10 और अब जा रहे हैं हम जी सोने के लिए। सो गाइस चलो, थैंक यू ब्रदर, गुड नाइट। सो मिलते हैं गाइस कल आपसे, बहुत बढ़िया दिन रहा आज का भी, जबरदस्त वाला, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून विद डैड चैनल गाइस, एंड हां अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा बेस्ट ब्लॉग के अंदर आपको क्या लगा। Thank you.